कंपनीज के लोगो में ब्लू क्यों होता है, जैसे फेसबुक? क्यों? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। विलन होता है या फिर जिसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है उसके बारे में वो ज्यादा बताना नहीं चाहते, उनको ब्लैक कलर पहनाते हैं। लाइफ को थोड़ा लाइट लेके थोड़ा जियो खुल के वाले विचारों के होते हैं, है ना? बस कलर ये हाईलाइटर यूज करेंगे तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टडी बेटर। आपका फेवरेट कलर क्या है और आपका फेवरेट कलर आपकी पर्सनालिटी के बारे में आखिर क्या बताता है? तो क्या आप जानना चाहते हो कि आपका फेवरेट कलर आखिर आपके बारे में क्या बताता है? तो आप ये पूरी वीडियो पूरी देख सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है ज्यादातर सारे कंपनीज के लोगो में ब्लू क्यों होता है, जैसे फेसबुक? क्यों? जो भी सेल बोर्ड होते हैं उस पर रेड कलर क्यों होता है? क्यों? मतलब आखिर कलर की ऐसी साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है कि एक कलर आपको एक पर्टिकुलर वे का पर्सन डिफाइन करता है? तो चलिए विदाउट डू हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले कलर से। फर्स्ट कलर इज ब्लैक। व्हाट डज ब्लैक शो? कि अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो आपके बारे में आखिर क्या बता रहा है? तो जिनका भी फेवरेट कलर ब्लैक होता है वो कहता है कि आप एक पावरफुल, सीरियस और क्रिएटिव पर्सन हो। तो क्या आपका फेवरेट कलर ब्लैक है? तो ब्लैक कलर को पसंद करने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल और सीरियस टाइप के होते हैं। तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग जब भी कॉन्वोकेशन में जाते हैं हमको हमेशा एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनाई जाती है, राइट? दैट इज द रीजन टू शो अस मोर पावरफुल, सीरियस एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये लोग बहुत सीरियस, पावरफुल और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। साथ ही साथ ये इमोशनल भी बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। इनकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो जो भी विलन होता है या फिर जिसकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है उसके बारे में वो ज्यादा बताना नहीं चाहते, उनको ब्लैक कलर पहनाते हैं, राइट? तो ये वाले लोग भी अपने बारे में ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहते, ये छुपा रुस्तम होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलर की, रेड। तो आप में से रेड किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। रेड कलर साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट कलर होता है। ये शो करता है कि इस कलर के दो पहलू होते हैं। ये शो करता है कि एक साइड पे आप ऐसे हो तो दूसरे साइड पे आप ऐसे हो। तो जानते हैं इसके दो पहलू क्या है? पहला साइड होता है पैशन, लव, लस्ट। मतलब रेड कलर को लाइक करने वाले लोग पैशनेट होते हैं, लव की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और लस्टफुल होते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई पावरफुल दिखना चाहता है, एग्रेसिव है या फिर बहुत एंग्री रहता है, उन लोगों को भी रेड कलर बहुत पसंद आता है। रेड कलर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखाता है, स्ट्रांग इमोशंस दिखाता है। ये वाले लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं, इनको बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है। इनको रेस्ट करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब बहुत मुश्किल से लोग रेस्ट करते हैं। लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करते हैं और इसके लिए ये पूरी की पूरी अपनी सेल्फ अट्रैक्शन भी दिखाते हैं। मतलब ये लोग रुकेंगे नहीं अपने बारे में बात करने से, राइट? तो ये लोग अटेंशन बनना जानते हैं लोगों के बीच में। ये एक बहुत ही यूनिक और ब्राइट कलर है। तो अगर आपको रेड पसंद है इसका मतलब है यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। तो चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट कलर ब्लू के बारे में। जिसको भी ब्लू कलर पसंद है कमेंट डाउन करके बताओ। और चलो अब जानते हैं आपके बारे में क्या बताता है ब्लू कलर। ब्लू कलर को मोस्टली मेंस कलर भी कहा जाता है। बहुत सारे मेन लोगों को ये वाला कलर बहुत पसंद होता है। इसका रीजन क्या है जानते हैं? ये एक शॉर्ट वेवलेंथ कलर होता है जो शो करता है कूलनेस को और कामनेस को। इसको भी ये वाला कलर बहुत पसंद है। वो पीसफुल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, बल भी होता है। कलर आपकी वर्क लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ब्लू कलर एक बहुत अच्छा कलर है जो आपको ट्रस्टवर्दी दिखाता है एम्प्लॉयर को और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन एन इंटरव्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ये माइंड ट्रिगरिंग कलर होता है। जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि फेसबुक का लोगो ब्लू कलर में क्यों है या फिर ज्यादातर कंपनीज के लोगो ब्लू कलर में क्यों होता है, क्योंकि माइंड को ट्रिगर करते हैं। ऐसा करने से एक ट्रस्टवर्दी वाली हमारे माइंड में उनके लिए फीलिंग बन जाती है और ऐसा करते ही हम उनके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, है ना? मस्त कलर ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कलर के बारे में। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर एज वेल, दैट्स ग्रीन। अब पता करते हैं ग्रीन कलर आपके पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है। कलर ग्रीन एक शॉर्ट वेवलेंथ वाला कलर है। ये शो करता है नेचर, मनी, लक और हेल्थ को। एक
पॉजिटिव कलर कलर ऑपोजिट टू रेड होता है, मतलब रेड का करेक्ट कंट्रास्टिंग कलर अगर हम बात करें तो ग्रीन होता है। ऐसे रेड कलर बहुत पावरफुल कलर होता है, ये वाला कलर उसी के ही कंट्रास्ट में एक सेफ कलर होता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी रेड लाइट और ग्रीन लाइट के ऊपर, तो जो भी लोग ग्रीन लाइट के अंदर पढ़ाई कर रहे थे उनको पढ़ाई करने में ज्यादा मजा आ रहा था, वेरिन जो भी लोग रेड लाइट में पढ़ाई कर रहे थे वो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रीन कलर इज अ सेफर एंड अ बेटर कलर। ये कलर वाले लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, ये हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कलर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कलर है कलर येलो। अब कलर येलो आपके बारे में क्या बताता है, तो चलिए जानते हैं। भी लोगों को कलर येलो पसंद होता है, हमेशा हैप्पीनेस, लाफ्टर और सनशाइन इन सभी चीजों को बहुत लाइक करते हैं। ये वाले लोग बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, हर एक चीज को दिल से नहीं लगाते और ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। रेड की तरह ही ये येलो कलर भी बहुत यूनिक कलर होता है, तो जिनको भी ये वाला कलर पसंद होता है वो बहुत यूनिक किस्म के लोग होते हैं। येलो कलर हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन केमिकल रिलीज करता है, जिसके वजह से हम लोगों का मेमोरी पावर भी बहुत इंक्रीज होता है। तो अगर आप अपने नोट्स में हाइलाइटिंग में येलो कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टडी बेटर। तो अगर आपको येलो कलर पसंद है तो समझ जाइए आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, प्लस आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। उनको भी येलो कलर बहुत पसंद होता है ना, उनका हमेशा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। पर इसका ना थोड़ा साइड इफेक्ट भी है, ज्यादा येलो ना एकदम एंग्जायटी दे देता है, नर्वसनेस भी देता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग येलो कलर को प्रेफर भी ज्यादा नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रेफर करते हैं मतलब आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत यूनिक पर्सन है और बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन भी है। लेकिन अगर नहीं करते हैं बहुत ज्यादा तो आप एंग्जायटी और नर्वसनेस के शिकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट कलर के बारे में बात करते हैं, दैट इज माय सेकंड फेवरेट कलर एज वेल, दैट्स पर्पल। पर्पल कलर पुराने जमाने में एक रॉयल्टी और लग्जरीज का सिंबल हुआ करता था। कलर सिर्फ वही लोग पहनते थे जो बहुत रॉयल हुआ करते थे, पर अब इस कलर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। ये वाला कलर आर्टिस्टिक कलर माना जाता है, जो भी बहुत क्रिएटिव होते हैं इस कलर को बहुत लाइक करते हैं। जो लोग इस कलर को लाइक करते हैं वो थोड़े ह्यूमरस टाइप के होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये हमेशा हेल्प करना जानते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। पर साथ ही साथ ये लोग इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी डील कर रहे होते हैं, ये लोग इमोशनली कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं। ये कलर कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस को भी शो करता है। नेक्स्ट कलर के बारे में जानते हैं, दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज कलर आपको एक प्रोडक्टिव पर्सन की तरह दिखाता है। ये वाला कलर एक एनर्जी, एक अलग से ही गर्मी, एक अलग से ही वार्म्थ अपने अंदर कैरी करता है। ये कलर बहुत हाईली मोटिवेटिंग होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो भी गुरुज होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, वो ज्यादातर ये वाला कलर ही पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी मोटिवेटिंग कलर एंड इट ऑल्सो शोज सिंप्लिसिटी एंड नॉन मेटेरियलिस्टिक लव। की बात करते हैं, दैट इज पिंक कलर। आई नो जैसे ही मैं पिंक कलर बोलती हूँ बहुत से लोगों के माइंड में तो गर्ल्स वाला कलर है, पर ऐसा सच नहीं है, ये वाला कलर बहुत सारे लड़कों को भी पसंद है। तो जानते हैं पिंक कलर की क्या अहमियत होती है। तो ये वाला कलर जो भी लाइक करते हैं वो बहुत ज्यादा लवेबल होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कलरफुल होती है और वो प्लेफुलनेस में बिलीव करते हैं, वो लाइफ को थोड़ा लाइट लेके थोड़ा जियो खुल के वाले विचारों के होते हैं, रिलेशनशिप्स की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, सोशली भी बहुत एक्टिव होते हैं, उनसे बात करते हैं, कामनेस पीस और सिडक्टिव को दिखाता है। ये वाला कलर थोड़ा इमेच्योर माना जाता है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप कभी भी मैच्योर इवेंट्स में जा रहे हैं ना तो ये वाला कलर इग्नोर करें। चलिए अब हम थोड़े बैलेंस्ड कलर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रे कलर। तो ग्रे कलर एक बैलेंस्ड कलर होता है, ये वाले लोग ना ज्यादा डार्क होते हैं ना बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, हमेशा बीच के होते हैं। इन वाले लोगों को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का कोई शौक नहीं होता है, ये बहुत मैच्योर लोग होते हैं, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये हमेशा टाइम के साथ ना अपना ओपिनियन भी बदलते रहते हैं। ये लोग बहुत सेफ और प्रिजर्वेटिव लाइफ को फॉलो करना पसंद करते हैं, ये सिक्योर एंड सेफ लाइफ जीना चाहते हैं और ये लोग हमेशा सिंपल लाइफ जीने की तरफ कोशिश करते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ गुड स्पिरिट। आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी और ज्यादा कलर साइकोलॉजी पता चली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को बार बार देखने के लिए वो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर।